खुदा ने दुनिया में जितनी भी चीजें पैदा की हैं, चाहे जानदार हो या बेजान, सब इंसान के फायदे के लिए हैं। लेकिन इंसान खुदा की दी हुई करोड़ों नियामतों में से कुछ का इस्तेमाल तो अपनी जिंदगी में करता है, लेकिन लाखों करोड़ों ऐसी ऐसी मखलूक दुनिया में पाई जाती हैं जिसके फायदे के बारे में नावाकिफ होता है इंसान, और उससे फायदा उठाने से भी महरूम रहता है। इसी तरह समंदर में रहने वाला एक नीला खून वाला केकड़ा है जिसके बारे में लोग बिल्कुल भी नावाकिफ हैं। बालासोर के चांदीपुर साहिल पर ये केकड़े बड़ी तादाद में आपको मरे हुए मिल जाएंगे। मछली पकड़ने वाले माहिगीर इन केकड़ों को उनकी अहमियत न जानते हुए मछली से अलग कर समंदर के किनारे फेंक देते हैं। इन केकड़ों की हिफाजत करने के लिए बालासोर की एक तंजीम के मेंबरान ने आज इंटरनेशनल हॉर्से क्राब डे के मौके पर बालासोर रेलवे स्टेशन के सामने पोस्टर पकड़कर शहरवासियों को पैगाम दिया कि इस नीले रक्त वाले केकड़े की हिफाजत को आगे आएं, क्योंकि इसके नीले खून से हजारों बेहतरीन दवाइयां इंसान की भलाई के लिए बन सकता है। मुसव्विर केसुदास ने कहा कि हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस नीले रक्त वाले केकड़े की हिफाजत करने के लिए अहम कदम उठाएं और एक रिसर्च सेंटर भी खोलें जिससे इस केकड़े की और भी खासियत हमें पता चले। इस मौके पर मुसव्विर केसुदास, डॉक्टर गोविंद बिस्वाल, लक्ष्मीधर बेहरा, परवीर कमीला, गगन सेठी, शेख अयूब, अंतर्यामी बेहरा, गरंगो पानीग्राही, सुधाकर सेठी और निरजन बेहरा मौजूद रहे। मु डॉक्टर गोविंद चंद्र बिस्वाल बालेश्वर रे हॉर्स क्राब एंड मेराइन बायो कंजर्वेटिव फोरम टी अच्छी से संपादक। आज नीलरक्त कंकड़ा आंतर्जातिक दिवस, से ही दिवस उपलक्षे आम ये समस्ते एकाठी हो जन सचेतनता करने नीलरक्त कंकड़ा बा हॉर्स क्राब पृथ्वी चारि प्रकार देखा जाती। आम बंगोपसगर उपकूल में दुईट देखा जा दुईट प्रजातिर देखा जाती। एम 450 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी से सृष्टि एजावत सामानकर किसी रूप से परिवर्तन हो तिष्ठि रही। अनेक औषधीय गुण अच्छी। एभली एक दुर्लभ प्रजातिर जीव आम बालेश्वर उपकूल में मिलथ्वर आम मैंने धन्य ताको सुरक्षा देवाई आम समस्ते आगे आसवा उचित। मुकेशुदास नीलरक्त कंकड़ा सुरक्षा ओ जैव सामुद्रिक जैव सुरक्षा मंचर मो उपसभापति। आज आम विश्व नीलरक्त कंकड़ा दिवस पालन अवसर में आम कमिटर समस्त लोक सहित बहुत जो माने सब नीलरक्त कंकड़ा को भल पाँच परिवेशविद माने सब आम सहित अच्छा। आज आम सांकेतिक जेहेतु कोरोना तेणु आम एक सांकेतिक दिवस पालन करुचु। एमर विभिन्न प्रस्ताव रखिचु एवं लोक को सचेतना करूचु एवं जो बालेश्वर समुद्र उपकूल जो रेयर बा रेयर मेराइन स्पेसीस नीलरक्त कंकड़ा बा हॉर्स क्राब मिले ताकि सुरक्षा रार वंश कमी वृद्धि हम एवं एटी गवेषणागार कमती हम एवं केमी यही कथाटा को सर्वव्यापी करने स्कूल पाठ्यक्रम यह स्थानित हम से आम समस्ते ये एकाठी हो दिवस पालन करूँ। नमस्कार, आज हूँ नीलरक्त कंकड़ार सुरक्षा दिवस आंतर्जातीय सुरक्षा दिवस। दुर्भाग्यर कथा नीलरक्त कंकड़ा आज को 400 मिलियन वर्ष धरी तार अस्तित्व को जाहिर करी आसी एपर्यंत से विलुप्त होना कि दुर्भाग्य वर्तमान जब आम सुरक्षा नदबु ताल ये कंकड़ाटी संपूर्ण भाव में लोप पाइव एले मात्र सन्देहर अवकाश ना। ये कंकड़ार रक्त हूँ नील, समुद्रर पानी से नील, समुद्र भी नील, आकाश भी नील, ता कंकड़ा रक्त भी नील। आ रक्त बहुत गुड़िया मेडिसिन तैयारी हुए जहाँकि अमेरिका, थाइलैंड, चाइना इत्यादि देश रिसर्च कर बहुत औषध तैयारी कर। दुर्भाग्य आम पाखे ये बहुत परिमाण देखा जाए, चांदीपुर ठार दीघा मध्य बहुत परिमाण देखा जाए। या मत्स्यजीवी मैंने तार सचेतनता तार उपकारिता जाणी ना तेणु ये जाल में पड़ी सब मरी जाती। तेणु यार सुरक्षा देवाई आम सरकार दाबी जनाऊु जदि या सरकारी स्तर में विद्यालय स्तर में पाठ्यक्रम स्थानित करता
एवं बालेश्वर रे जदि गुटे गवेषणागारटी प्रतिष्ठा हो पारंता ताहाले विश्व स्तर रे ए नीलरक्त कंकड़ा निश्चय आ बालेश्वर को पहुँचे पारंता एथिरे तिले मात्र अत्युक्ति नहीं। मेरा नाम आयु अली खां, मैं बिलोंग्स परीक्षा से करता हूँ बालेश्वर के सामने में। जो बे ऑफ बंगाल जो है बंगाल सागर के किनारे में हमारा घर है, वहाँ पर यहाँ पर मकसद ये है कि हम लोग कोई जानते ही नहीं थे कि नील को नील का रंग जो है नीला खून वाला जो मैंने जो ये क्राफ्ट जो है मतलब उसका जो क्या अहमियत है तो हमको नहीं पता है। तो इसके सबब से जो है मछुआरा सब जो आते हैं जब आते इधर किनारे पर आते हैं तो उनके जाल में फंस जाने के बाद में उसका कोई अहमियत तो जानते ही नहीं थे तो उसको फेंक देते हैं कि मार भी देते हैं। तो अब जो पता चला कि ये खून के अंदर में हरा खून जो है वो हरा खून भी बहुत बहुत कामी का चीज़ है और बहुत मतलब लाजवाब चीज़ है, जिस हिसाब से लोगों का फ़ायदा होता है क्या मतलब अच्छा अच्छा मेडिसिन इसमें तैयार होता है लोगों का मतलब सेहतमंद के लिए, जो कि इसको बेस करके जो इससे बहुत अगला हम लोग तो कोई पिछड़ा मतलब भारत तो बहुत पिछड़ा होगा हो कराया गया है लेकिन हम लोग से जो एडवांस करने वाले हैं जो मान लो अमेरिका हो कनाडा हो कुछ भी जगह जो है थाईलैंड हो वहाँ पर इसका संधान करके इसको रिसर्च करके इससे जो फ़ायदा लेते हैं तो हम नहीं ले पाते हैं। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर बालेश्वर के अंदर एक जो रिसर्च सेंटर होना चाहिए और साथ साथ में जो पढ़ाई के लेवल में जो सिलेबस में इसका अहमियत को दर्श देना चाहिए, जिस हिसाब से हम लोग सजग होंगे सचेतन होंगे अवेयरनेस होंगे जिस हिसाब से हम उसका सुरक्षा भी करेंगे और उससे जो फ़ायदा जो कुदरती फ़ायदा जो है उससे हम लाभ उठाएंगे।